हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पथिक डायरीज। आप सभी को मेरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, इस टाइम मैं नैनीताल में हूं। आज मैं आपको नैनीताल एज अ फूड पैराडाइज प्रेजेंट करने वाला हूं। जब भी आप हिल स्टेशन में वेकेशन के लिए जाएं, आपको केवल दो ही एम रखने चाहिए, दो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आपके। एक तो मेस्मराइजिंग सीनरीज का आप मजा लें, खूबसूरत वादियों का मजा लें। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका उस हिल स्टेशन की डिफरेंट रेस्टोरेंट, कुजींस और कैफेज के स्वाद जरूर उठाएं आप। आप नॉर्थ इंडिया के किसी भी माल रोड को देख लीजिए, चाहे वो मसूरी हो, शिमला हो, डलहौजी हो, सभी जगह बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल हो गए हैं। इन हिल स्टेशन में आपको मैकडी, पिज़्ज़ा हट, KFC जैसे बड़े ब्रांड मिल जाएंगे, जो इन खूबसूरत हिल स्टेशन को मेट्रोपॉलिटन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन नैनीताल में आपको ऐसा कोई ब्रांड नहीं मिलेगा। वहाँ जो भी रेस्टोरेंट या कैफ़े हैं, वो बहुत लंबे समय से वहाँ हैं। टाइम के साथ उनका मॉडर्नाइजेशन ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी वहाँ बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और है। मैं आपको बता दूँ कि नैनीताल का पूरा माल रोड नैनी झील के साथ साथ चलता है, और यहाँ के ज़्यादातर रेस्टोरेंट और कैफ़े इस झील के सामने हैं। तो जब भी आप यहाँ बैठ के खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं कुछ भी, तो आप पूरी झील का आनंद ले सकते हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने डिफरेंट रेस्टोरेंट में डिफरेंट क्यूजीन टेस्ट किए हैं। इनमें से कुछ रेस्टोरेंट मुझे अपने टेस्टी फूड के लिए बहुत अच्छे लगे, तो कुछ का एम्बियंस बहुत बहुत अट्रैक्टिव था। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको इन सभी का मज़ा देता हूँ। यहाँ मैं आपको इन रेस्टोरेंट की कम्प्लीट डिटेल भी शेयर करूँगा। आप जब भी नैनीताल आएँ, यहाँ के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ज़रूर लें। तो चलिए मेरे साथ नैनीताल एज अ फूड पैराडाइज। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ के बेस्ट कैफे, कैफ़े लेक व्यू में। बेसिकली ये होटल और कैफ़े रेस्टोरेंट है, यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। इनके रूम कंपेरेटिवली थोड़े छोटे हैं, लेकिन इसकी लोकेशन और व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ की फूड की बात करें, फैंटास्टिक क्यूजीन। यहाँ हमने अलग अलग दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों किया है। यहाँ दो लोगों के फूड की जो कॉस्ट है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1200 से लेके 1500 रुपये है। यहाँ आपको इंडियन, मुगलई, चाइनीज़ और कॉन्टीनेंटल क्यूजीन मिल जाएगा। यहाँ हमने स्टफ्ड पराठा, पनीर पराठा, कीमा पराठा, चिली चिकन, फ्रेंच फ्राइज और जंबो बर्गर मंगवाया फर्स्ट डे। यहाँ के पनीर पराठा और कीमा पराठे की जो प्रिपरेशन है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मींस पहले पराठा बनाया जाता है और उसके ऊपर पनीर या कीमे की एक मोटी लेयर बिछाई जाती है। आप इसे इंडियन पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये पनीर पिज़्ज़ा पराठा है और इसकी स्टफिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और गरम गरम है। अब हम टेस्ट करके देखते हैं, हरी चटनी और सिरके वाले प्याज के साथ, और इसके पीसेस भी इन्होंने पिज़्ज़ा की तरह काटे हुए हैं। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस, ऊपर से ये हनी चिली विंग्स आ गए हैं। ये भी बहुत कलरफुल है और टेम्पटिंग लग रहा है मुझे काफ़ी। अब वो खाने के बाद पता चलता है कि कैसा है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ टेस्ट कीजिए इसको। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये 2 किलोमीटर लंबा जो माल रोड है, उसके बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। यहाँ बैठ के आप नैनी झील की खूबसूरत वादियों से रूबरू हो सकते हैं। तो बेसिकली बहुत अच्छा रेस्टोरेंट्स है, लोकेशन बहुत अच्छी है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। इसका एक पोर्शन थोड़े ओपन में है जहाँ बैठ के अभी हम खा रहे हैं, और एक इंडोर है। इंडोर काफ़ी अच्छा, एस्थेटिक उनकी बहुत अच्छी बनाई हुई है। ये हनी चिकन विंग्स बहुत टेस्टी हैं, बहुत बहुत टेस्टी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फूडी हूं और मैंने दिल्ली में बहुत खाया ये, बट जो मज़ा मुझे आज यहां आ रहा है, वो शायद मैंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि यहां आप हनी चिकन विंग्स ज़रूर टेस्ट करें, रियली रियली टेस्टी। और ये स्टफ्ड कीमा पराठा, दिखने में ये कुछ कुछ पनीर पराठे जैसा ही है, बट इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है।
कीमे की प्रिपरेशन बहुत लाजवाब है, अच्छे से पका हुआ है कीमा, और जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, तो गर्म है। मैं इसमें चटनी लगा के टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए टेस्ट के बाद पता चलता है कि कैसा लगता है मुझे। आप मेरे एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि बहुत टेस्टी बना हुआ है ये। और चूँकि आज ही पहुँचे हैं हम लोग, तो भूख भी लगी है और हम लोग वैरायटी भी टेस्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने दोनों तरह के पराठे मंगाए हैं। और ये अवनी अभी कीमा पराठा खा रही है और इसने जंबो बर्गर भी मंगाया है, तो देखते हैं खा पाती है कि नहीं। इस कैफ़े के लिए अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करूं तो एम्बियंस के लिए मैं 9 out of 10 दूंगा, फूड के लिए भी मैं 9 out of 10 दूंगा, और लोकेशन के लिए मैं इसको 7 out of 10 दूंगा, क्योंकि हैपनिंग प्लेस से थोड़ा सा दूर है ये, बट स्टिल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जंबो बर्गर आ गया है, और आप इसे फ्रेंच फ्राइज तो नहीं कहूँगा मैं इनको, ये फ्राइड पोटैटोज़ हैं, बड़े बड़े पोटैटोज़, पहाड़ी आलू। और अवनी टेस्ट कर रही है साथ में ये मियो, तो डिफरेंट कुजीन हमने एक साथ इसको क्लब कर लिया है, तो दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और जो अब तक खाया है वो भी बहुत टेस्टी था। और यहाँ डेजर्ट में हम लोगों ने ब्लूबेरी वेफल और चॉकलेट ब्राउनी वेफल मंगवाया है, बहुत टेस्टी है ये। हमारा अगला डेस्टिनेशन है मचान, ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं आपको बता दूं कि मैं 2002 में इस रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ, करीबन 20 साल पहले। एम्बियंस खूबसूरत है, सिंपल है, सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उसके बावजूद भी रेस्टोरेंट अच्छा लगा हमें। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, और यहाँ लगभग 1500 रुपये में 4 लोग बहुत अच्छे से खा सकते हैं। हमने यहाँ बटर चिकन, दाल मखनी, मटर मखानी, बटर नान, तंदूरी रोटी का स्वाद लिया। रियली टेस्टी फूड। मुझे लगा नहीं कि हम पहाड़ों में बटर चिकन खा रहे हैं, दिल्ली के बटर चिकन से बेहतर नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। दाल मखनी भी लाजवाब है। इस ठंड के मौसम में खिड़की से आती हल्की हल्की धूप और मेज में परोसा बटर चिकन दाल मखनी, इस आनंद की अनुभूति स्वर्ग की अनुभूति जैसे लग रही है, मज़ा आ गया। ये बटर चिकन थोड़ा थोड़ा दिल्ली के करीम्स के बटर चिकन जैसा लग रहा है, और टेस्टी फूड, लिटरली टेस्टी फूड। मसाले एकदम राइट प्रोपोर्शन में हैं, चिकन पूरी तरह से गला हुआ है, और दाल मखनी बहुत अच्छी पकी हुई है, उसमें मक्खन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और क्रीम की क्वांटिटी भी मेरे को लगा दाल में एकदम ठीक थी। कई बार क्रीम ज़्यादा होती है तो दाल मीठी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और मटर मखानी जो है, मटर की ग्रेवी वाली सब्जी जिसमें मक्खन डला हुआ है, हाँ मैं फूड और एम्बियंस दोनों के लिए 8 out of 10 दूंगा। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कैफ़े हिमालया। इस कैफ़े की लोकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बोट क्लब से शुरू होने वाले माल रोड के ठीक तिराहे पर है। इस कैफ़े का एम्बियंस बहुत अच्छा है, एलिगेंट एम्बियंस है, कंपेरेटिवली ये थोड़ा बड़ा भी है और रेस्टोरेंट्स के कंपेयर में। यहाँ टेबल सिटिंग के अलावा फर्स्ट फ्लोर पे लो लेवल सिटिंग भी है, जहाँ आप नीचे बैठ के खाना खा सकते हैं, और हमने अपना मील भी उस लो लेवल सिटिंग में इंजॉय किया है। यहाँ आपके पास इंडियन कुजीन के अलावा चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारी चीज़ों की काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। यहाँ के मॉकटेल्स और ड्रिंक्स भी बहुत टेस्टी हैं, आप विश्वास कीजिए फूड बहुत बहुत टेस्टी है। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट यहाँ खाने के बाद मुझे लगा कि नहीं हम टेस्ट कर सकते हैं चाइनीज़ भी। यहाँ 4 लोगों के फूड के लिए आपको लगभग 1200 से 1500 रुपये पे करने होंगे, क्योंकि हमने डिफरेंट फूड भी मंगाया और कुछ मॉकटेल्स भी मंगाए, इसलिए हमारा 1800-1900 का बिल आया है, तो बेसिकली अच्छा है काफ़ी।
अब यहाँ का जो सिटिंग एम्बियंस मैं देख रहा हूँ बड़ा कूल है, सारा वुडन बना हुआ है, लो फ्लोरिंग है, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर मुझे। यहाँ हमने चिकन लज़ानिया, चिकन गार्लिक चिली नूडल्स और आइस टी, वर्जिन मोइतो और चिकन गार्लिक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। चिकन लज़ानिया मैं पहली बार खा रहा हूँ, चिकन गार्लिक नूडल्स कई बार खा चुके हैं हम लोग, डिफरेंट है थोड़ा सा, टेस्ट मुझे अच्छा लगा। ये भी हो सकता है शायद कि ठंडा मौसम है बाहर और यहाँ हम गरम गरम खा रहे हैं, देखिए आप धुआं भी निकल रहा है, तो बेसिकली ठीक लग रहा है। और जो चिकन पिज़्ज़ा है उसमें चिकन की जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत टेस्टी लग रहा है। और ये देखिए लज़ानिया फर्स्ट टाइम मैंने खाया है, चीज़ और चिकन का कुछ कॉम्बिनेशन है, तो टेस्टी थिंग। मैं चाइनीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ, शायद मुझे पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट भी नहीं करता हूँ, बट यहाँ मैंने बच्चों की वजह से एक्सपेरिमेंट किया और अच्छा लगा मुझे, बच्चों को बहुत पसंद है। वर्जिन मोइतो काफ़ी टेस्टी है, थोड़ा स्वीटनिंग ज़्यादा है बट उसके बावजूद भी ठीक लगा, एम्बियंस बहुत 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 अच्छा है। हमारा नेक्स्ट रेस्टोरेंट है चांदनी चौक रेस्टोरेंट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि दिल्ली के चांदनी चौक की तर्ज पर बना है। बाहर से देखने पर ये एकदम लाल किले जैसा दिखता है, कलर डिज़ाइन सेम है और बिल्कुल झील के सामने, और बाहर से बड़ा ही अच्छा सा एक लुक आता है कि पहाड़ों में डिफरेंट रेस्टोरेंट है और उसके बीच में एक आपको लाल किले जैसा लाल पत्थर से बना रेस्टोरेंट, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है, देख के ही बड़ा अच्छा लगता है। तो और अंदर का जो डिज़ाइन है वो भी दिल्ली का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं वो देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो चांदनी चौक का पुट, पंजाबियत का पुट और वो जो दिल्ली का जो खाने का जो वो जुनून जैसा होता है वो आपको सारा यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यहाँ हमने नैनीताल स्टे के तीसरे दिन ब्रेकफास्ट किया था, दूसरे रेस्टोरेंट्स की कंपेयर में ये थोड़ा बड़ा है लेकिन लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है, फूड इज़ गुड बट नॉट एक्सीलेंट। यहाँ हमने दो आलू के पराठे, एक छोले भटूरे, एक प्लेट असॉर्टेड पकोड़े, मतलब वो जो मिक्स पकोड़े होते हैं, और दो लस्सी का ऑर्डर किया, इन सब का जो हमारा बिल था वो 900 रुपये आया है केवल। यू कैन से इट्स ए वैल्यू फॉर मनी, सस्ता किफ़ायती और अच्छा। हमारा अगला जंक्शन है दिल्ली दरबार डीलक्स, ये बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है, हलचल काफ़ी ज़्यादा और दो तीन रेस्टोरेंट एक साथ हैं, एम्बियंस बहुत खूबसूरत। और लास्ट डे मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया, इस टाइम पे देखिए कोई भी नहीं है, हम ही लोग हैं, और ये हमने यहाँ आलू के पराठे और मिक्स पराठा मंगाया है, दही है, सिरके वाला प्याज, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं मंगाया है। और हमने यहाँ आलू पूरी का भी ऑर्डर किया है, तो चूँकि अब आगे हमको सफ़र करना है इसलिए हम ज़्यादा नहीं खाना चाह रहे हैं, बट जितना भी हमने यहाँ पर लिया है वो हमें टेस्टी लगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट और बच्चों को पसंद आया। चूँकि वापस जाना है, जब भी आप सफ़र करते हैं वापस जाना होता है तो एक हल्की सी उदासी होती है, उस जगह को छोड़ के जाने का मन नहीं करता, पर खाना तो खाना है तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं मंगाया, पराठे टेस्टी हैं, गर्म गर्म हैं, स्टफिंग बहुत अच्छी। और ये छोले और पूरियाँ थोड़ा थोड़ा भटूरे लग रहे हैं और हरी चटनी के साथ ये बहुत टेस्टी लग रहा है। सुबह का टाइम है, हम थके भी नहीं हुए ज़्यादा, तो ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है, पर गर्मा गर्म पूरी और छोले लाजवाब। नेक्स्ट डेस्टिनेशन चॉकलेट रूम, द चॉकलेट रूम ये अपने चॉकलेट पेस्ट्रीज केक्स के लिए फेमस है और बहुत अच्छा एम्बियंस, देखिए आप बहुत सुंदर लग रहा है अंदर, बच्चे यहाँ पर मफिन्स और समथिंग चॉकलेट का कुछ कम्बिनेशन खा रहे हैं, आई डोंट नो क्या है ये, अभी बच्चों से पूछना पड़ेगा मुझे। बेसिकली इट्स ए चॉकलेट ब्राउनी और ये करीबन 150 रुपये की है, एक पीस इन्होंने लिया है, एम्बियंस देखिए कितना खूबसूरत है,
तो आप 10-15-20 मिनट यहाँ बैठ जाइए और सीधा माल रोड के सामने तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये इनकी पेस्ट्री शॉप्स देखिए, चॉकलेट पेस्ट्रीज हैं, चॉकलेट्स हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। ये 100 रुपये से शुरू हो जाते हैं और 450-500 रुपये पर पीस के हिसाब से हैं। और देखिए ताजमहल, और ये सब चॉकलेट से बना है, मिल्क चॉकलेट से बने हैं। तो अच्छा लगा बच्चों को, बहुत टेस्टी लगा, तो बच्चे इसका पूरा मज़ा ले रहे हैं। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा है ये, और 150 से 200 रुपये में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे। तो चलिए हम आगे की यात्रा जारी रखते हैं अपनी। और ये होटल में आलू पूरी और पराठे, ये हमारा सेकंड डे का ब्रेकफास्ट है। चूँकि हमें सफ़र करना था तो हमने रूम में ही ब्रेकफास्ट मंगा लिया था। टेस्टी लगा, अच्छा था। इनके अलावा भी नैनीताल में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जूबीज किचन है, वहाँ भी हमने खाना खाया था। और इस टाइम पे हम लोग जब नैना पीक से वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ की मैगी खाई। पहाड़ों में मैगी बहुत फेमस है, पहाड़ों की मैगी का टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि पानी वहाँ का डिफरेंट होता है। जब आप माल रोड पे घूमते हैं तो जगह जगह पे आपको सॉफ्टी मिल जाएगी, ये सभी माल रोड्स का फेमस फूड है। और 50 रुपीज़ इसकी कॉस्ट होती है, भुट्टे मिल रहे हैं 50 रुपीज़ में, आपको ब्राउनी चॉकलेट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा एक नया रेस्टोरेंट है द मून लाइट, छोटा पर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ हम लोगों ने खाया नहीं है पर जब भी हम यहाँ से गुजरे तो मन किया कि एक बार बैठें। एम्बियंस बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, बिल्कुल झील के सामने, तो सुंदर एम्बियंस बहुत अच्छा है, आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं जब आप यहाँ जाएँ। इसके अलावा नैना देवी मंदिर के सामने भी एक काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है, ओपन फूड कोर्ट, वहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं जहाँ आपको डिफरेंट कुजीन डिफरेंट वेराइटी मिल जाएगी। जैसे देखिए चाइना टाउन है आपके सामने, तो ऐसे कई हैं। बट मैं फिर भी आपको एडवाइस करूँगा कि यहाँ फूड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आपको रेस्टोरेंट्स में मिलेगी। और लास्ट में ट्रेन शताब्दी में मिलने वाला खाना, शताब्दी में मिलने वाली चीज़ें, इसका अपना ही एक अलग मज़ा है। तो ये फूड पैराडाइज का सफ़र हमारा यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा।